क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे x का ऑप्शन 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे y का ऑप्शन 3 है, यहां पे y का ऑप्शन कितना है 4। तो किसी भी तरीके से 2 3 नहीं बन सकता, 3 2 नहीं बन सकता, 3 की 4 नहीं हो सकती और 4 की 3 नहीं हो सकती। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं x का सेम करना चाह रहा हूं तो यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां पे 2 की। y का सेम करना चाह रहा हूं तो उसमें 4 के उसमें 3 की। तो x का सेम कर लें, मल्टीप्लाई बाय थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय टू इन इक्वेशन सेकंड। फिर देखा 3 × 6x प्लस 3 × 9y इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, आपकी थर्ड 6x 8y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड में से या तो फोर्थ को माइनस करेंगे या फोर्थ में थर्ड को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, तो ये आएगा आपका 6x प्लस के 9 है प्लस टू 0, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना है वाई इक्वल्स टू माइनस के टू। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करी और सेकेंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि किसी भी तरीके से कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहे थे, एक एक इक्वेशन मल्टीप्लाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 0, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 10। एक्स के कोफिशिएंट सेम करें, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड ऊपर रख के फोर्थ नीचे रख, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 10, 6y से 6y कैंसिल, 9y माइनस 8y प्लस का y, 0 माइनस 10 माइनस 10। कौन सा मेथड चल रहा है, ये एलिमिनेशन मेथड। y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे थर्ड में करो, चाहे फोर्थ में करो, आंसर सेम आएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू माइनस के 10 प्लस टू 0, 2x माइनस के 13 प्लस टू 0, 2x इक्वल्स टू 30, x आ गया 30 अपॉन 2, कितना आ गया x 15, x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू माइनस की। पुट वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3 इंटू माइनस के 10, 3 10 से कितना होगा 30, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का x कितना आ गया 30 अपॉन 2 कितना आ गया 15, x कितना आ गया 15। क्लियर है क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों मल्टीप्लाई करने पड़े, दोनों के साइन सेम थे इसका सबट्रैक्ट किया, y की वैल्यू फर्स्ट पुट करी x में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 30, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7x माइनस के 2y इक्वल्स टू 20, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब या तो हम x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे या y का सेम करें, किसका करें, y का कर ले, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे 3 की, क्योंकि 2 3 6 आ जाएगा, 3 2 का कितना आएगा 6, मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको x का सेम करना है तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3
इन इक्वेशन सेकंड, 2 टू द 4x माइनस के 6y इक्वल्स टू 60, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई करी है, 2 की, इसमें से की करें 3 7 से 21x माइनस के 3 टू द 6y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 60। क्वेश्चन गलत कॉपी किया, सही है क्वेश्चन गलत कॉपी, ये 13 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 26 है। किसका कोफिशिएंट सेम किया मैंने, y का, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे भी 6 है, साइन ही देखना आपको, साइन तो देखेंगे जब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी कोफिशिएंट सेम करें उसके साइन देखो, दोनों के सेम है ना, सेम है दोनों के माइनस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे, चाहे फोर्थ में से थर्ड कर लो आंसर सेम है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड ऊपर आऊंगा 4x माइनस के 6y इक्वल टू 26, 21x माइनस के 6y इक्वल टू 60, ये माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस, 6y से 6y कैंसिल, 4 और 21 तो सब्ट्रैक्ट, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है तो 17 आएगा, लेकिन जो बड़ा होगा साइन उसका आता है, बड़ा 21 है, 21 का साइन कितना है माइनस है, तो माइनस का 17x आएगा, ऐसे 16 में से 26 सब्ट्रैक्ट होगा 34, बड़े का साइन आएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ गया 34 अपॉन 17, एक्स कितना है, अब तो क्लियर हो गया होगा मैथड, एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में आंसर सेम आएगा, 2 इंटू 2 माइनस के 3y इक्वल टू 30, 2 टू द 4 माइनस के 3y इक्वल टू 30, माइनस के 3y इक्वल टू 30 माइनस के 4, माइनस के 3y इक्वल टू 9, तो y कितना आ गया माइनस के 9 अपॉन 3 माइनस के 3, एक्स आ गया आपका 2y आ गया माइनस, पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करी, सेकंड में 3 की करी, y के कोफिशिएंट सेम हो गए, जिसके कोफिशिएंट सेम होते हैं उसके साइन देखे, दोनों के साइन सेम थे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया, 6y से 6y कैंसिल, ये आ गया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी 2, तो y कितना आ गया माइनस, होमवर्क में आपको 10 तक सम्स करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज देना, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 सम्स और करके दिखाऊंगा, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने हैं, कोई नहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं 11 से स्टार्ट करूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास।